जहां हर तरफ अमृत महोत्सव चल रहा है, वहीं रामटेक बस स्टॉप पर सफाई अभियान देखने को मिला। कवि कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस गंभीर मामले पर ध्यान देते हुए रामटेक बस स्टैंड की सफाई के लिए एक अभिनव और सराहनीय पहल की है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत रामटेक शहर के बस अड्डे की सफाई की गई। दिलचस्प बात तो यह है कि स्वच्छता अभियान में 90 छात्रों की भागीदारी से 27 बोरी कचरा एकत्र किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर डावरे सर, प्रोफेसर प्रगति मैडम, प्रोफेसर पवन, प्रोफेसर जयंत चौधरी शामिल हुए। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय हमेशा इस तरह के स्वच्छता अभियान का आयोजन करता है और ये विशेष है कि ये रामटेक में विभिन्न सरकारी कार्यालयों, कालिदास स्मारक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की सफाई करता है। वास्तव में सरकारी तंत्र को इस तरह के अभियान चलाकर नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाना चाहिए और उन्हें सफल बनाना चाहिए। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के संस्कृत भाषा एवं साहित्य विभाग की प्रमुख प्रोफेसर कविता होल ने अनुरोध किया है कि प्रशासन वर्तमान परिवेश में स्वच्छता के महत्व को जानकर कार्रवाई करे। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।